देश भर के 17 लाख से भी ज्यादा मदरसा स्टूडेंट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि ये मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में नहीं भेजे जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा एक्ट को बरकरार रखा, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक लगा दी है। आइए देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मदरसा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए इस बड़े फैसले में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 बनाया था और इसके बाद राज्य सरकार ने 2022 में मदरसों का सर्वे भी करवाया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी का बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसकी वैधता को तो बरकरार रखा है, यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और जो 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख स्टूडेंट हैं उनको सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला भी खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को ही असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मदरसा एक्ट के एक प्रावधान पर रोक लगा दी है। ये वो प्रावधान है दोस्तों जिसमें मदरसों को पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था, यानी कि अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। यानी मदरसा के जो स्टूडेंट हैं वो 12वीं तक तो मदरसा एक्ट के तहत पढ़ पाएंगे, उसके बाद अगर उनको हायर एजुकेशन लेनी है यूजी पीजी की तो फिर उनको गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसी में पढ़ाई करनी होगी। यूपी मदरसा बोर्ड कानून क्या है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप देख सकते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था। इस कानून को राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था और इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। मदरसा एक्ट का उद्देश्य ये है कि एक तो मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना और छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना और मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना। मतलब ये कि मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी AI टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस इन चीजों के बारे में सीख पाए। वैसे काफी टाइम से इस कानून का विरोध होता रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। इस एक्ट के खिलाफ पहली बार साल 2012 में एक याचिका दाखिल हुई थी। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की थी। उसके बाद भी कुछ और याचिकाएं दाखिल हुई देख सकते हैं आप। इसके बाद 2020 में भी रेजुल मुस्तफा ने भी 2 याचिकाएं लगाई थी। इन सभी याचिकाओं का एक ही मकसद था कि इस मदरसा एक्ट को रद्द करने की मांग की गई थी। कहा गया था कि धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया और हाईकोर्ट ने कहा था कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वैसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मदरसा एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आज पलट दिया, रद्द कर दिया और कहा कि यूपी में मदरसा एक्ट बरकरार रहेगा। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों का सर्वे भी करवाया था जिनमें इन 12 पॉइंट्स पर मदरसों की सर्वे जानकारी इकट्ठी की गई कि मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कौन सी है, कब स्थापित हुआ वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तकरीबन 17 लाख मदरसा स्टूडेंट के लिए सुनाया गया बड़ा फैसला। उम्मीद है आपको ये छोटी सी न्यूज अपडेट जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।